गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मतलब प्रीवियस टर्म पे, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था एवियल ट्री के ऊपर करने का, ये उसका फाइनल सॉल्यूशन है। तो आप चेक कर सकते हैं कि जो मैंने होमवर्क दिया था एवियल ट्री का, एवियल ट्री बनाने के लिए, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिला है कि नहीं। आप इसको नोट डाउन कर लें। ये एक्चुअल में आपका रिक्वायर्ड हाइट बैलेंस ट्री है, तो क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया था, आप एक बार चेक कर लें। आज हम बात करेंगे एक और ट्री के ऊपर जिसको कहते हैं 2-3 ट्री। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं कि क्या 2-3 ट्री एग्जैक्टली क्या होता है। सो अ 2-3 ट्री इज सिमिलर टू बाइनरी सर्च ट्री वेयर लेफ्ट सब ट्री नोड वैल्यूज इज लेस देन रूट नोड एंड राइट सब ट्री नोड वैल्यूज इज ग्रेटर देन रूट नोड। तो 2-3 ट्री भी बाइनरी सर्च ट्री का ही कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। वो बाइनरी सर्च ट्री का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि रूट से अगर देखा जाए, अगर हम रूट से कंपेयर करेंगे लेफ्ट सब ट्री के सारे नोड की वैल्यू को, तो वो वैल्यू सारी रूट नोड के कंपैरिजन में सारी लेस वैल्यूज होंगी। और राइट सब ट्री की बात करें रूट नोड से, तो राइट सब ट्री में जितनी भी नोड की जो वैल्यूज होंगी वो सब ग्रेटर देन होंगी। ठीक है, तो 2-3 ट्री इज ऑल्सो फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। लेकिन एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है 2-3 ट्री में, क्या कॉन्सेप्ट है 2-3 ट्री का, आगे अपन देखते हैं। सो 2-3 ट्री कंटेन्स 3 different types ऑफ नोड एंड दीज आर, मतलब 2-3 ट्री 3 different type के नोड कंटेन करता है। और वो नोड क्या होते हैं, सबसे पहला आप देख रहे हैं यहां पर लीफ नोड, सो इट कंटेन्स अ लीफ नोड। टू नोड का मतलब यहां पर ये है कि अगर कहीं पर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि 2 नोड आपके हैं, तो उन 2 नोड में जो 2 नोड होंगे वो चिल्ड्रंस होंगे, दैट मींस 2 चिल्ड्रंस विल बी देयर एंड द डेटा एलिमेंट शुड बी 1। तो यहाँ पर 2 नोड का कॉन्सेप्ट क्या है कि 2 चिल्ड्रन यहाँ पर होंगे और एक उसमें डेटा एलिमेंट होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक यहाँ पर डेटा एलिमेंट है और इस डेटा एलिमेंट नोड के 2 चिल्ड्रन है ना, इट कैन बी ए और बी। 3 नोड भी हो सकते हैं इसके अंदर 2-3 ट्री में, तो जिसमें कॉन्सेप्ट क्या है 3 चिल्ड्रन शुड बी देयर एंड देयर शुड बी 2 डेटा एलिमेंट्स। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक नोड पर यहाँ पर 2 डेटा एलिमेंट पॉसिबल हैं, और इन दो डेटा एलिमेंट्स के कितने चिल्ड्रन होंगे मैक्सिमम देयर आर 3 चिल्ड्रन फॉर दिस 2 डेटा एलिमेंट नोड। तो इस तरह के यहाँ पर 3 different nodes होते हैं, लीफ नोड, 2 नोड एंड 3 नोड। जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है इट इज अ 2-3 नोड 2-3 ट्री, तो इसमें 3 तरह के यहाँ पर नोड अवेलेबल होंगे। आइए चेक करते हैं कि क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखें, बैलेंस्ड इन द नेचर, मतलब 2-3 ट्री आपका बैलेंस्ड होता है, इसको हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। जैसा प्रीवियस लेक्चर में अपन देखा कि एवियल ट्री में क्या किया था हमने, जितने भी एलिमेंट इंसर्ट होते जा रहे थे ट्री में, उसमें हर नोड के इंसर्ट होने पर किसी एग्जिस्टिंग नोड का अगर बैलेंस फैक्टर डिस्ट्रॉयड होता था, तो हम रोटेशंस के जरिए उसको क्या करते थे, रोटेट करते थे और बैलेंस करते थे। तो यहाँ पर हमें बैलेंसिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका जो 2-3 ट्री है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर बैलेंस होता है नेचर वाइज। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, एवरी इंटरनल नोड इज आइदर 2 नोड और 3 नोड, मतलब जितने भी इंटरनल नोड होंगे यहाँ पे, इसमें कितने नोड हो सकते हैं, आइदर इट कैन हैव 2 नोड और इट कैन हैव 3 नोड। थर्ड प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर है, ऑल लीव्स आर एट द सेम लेवल। ठीक है, तो जितनी भी लीव्स होंगी, मतलब ऐसे नोड जिनके कोई फर्दर चाइल्ड नहीं होंगे, दे आर कॉल्ड द लीफ नोड्स। सो ऑल द लीफ नोड्स इन 2-3 ट्री आर एट द सेम लेवल। फोर्थ की बात करें, फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें, तो डेटा इज स्टोर्ड इन अ सॉर्टेड मैनर, मतलब जो भी डेटा स्टोर्ड होगा नोड में वो सॉर्टेड मैनर में होगा, आइदर इट कैन हैव असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ही लेके चलेंगे अपन, है ना, तो यहाँ पर जितना भी डेटा स्टोर करेंगे अपन वो सॉर्टेड मैनर में ही स्टोर होगा। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे 2-3 ट्री का कंस्ट्रक्शन हो पाता है। तो यहाँ पर आज भी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट द 2-3 ट्री विद द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं 50, 30, 10, 70 एंड 60। ठीक है,
तो अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टेप वन, स्टेप वन इज नथिंग, इट इज द इंसर्शन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 50 एज अ नोड। ठीक है, तो यहाँ पर 50 को अपन इंसर्ट किया। 50 के बाद हमारे पास क्या है, 30, सेकेंड एलिमेंट हमारा 30 है। तो स्टेप टू में क्या होगा, इसका अलग से कोई यहाँ पर 30 को हम चाइल्ड नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि 2-3 नोड की प्रॉपर्टी क्या है कि एक इसमें 2 नोड हो सकते हैं या 3 नोड हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 30 को अपन पहले लेके आएंगे और 50 को अपन बाद में रखेंगे एट द सेम नोड। ठीक है, तो 30 यहाँ पर पहले क्यों आया, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जितने भी यहाँ पर डेटा होता है, डेटा वैल्यूज, डेटा एलिमेंट्स इंसर्ट होते हैं वो सॉर्टेड मैनर में होते हैं। तो अगर अपन 30 को कंपेयर करेंगे तो 30 इज स्मॉलेस्ट देन 50, तो 30 की पोजीशन कहाँ होगी, 50 से यहाँ पर पहले होगी। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास, 10 है। ठीक है, तो जैसे ही 10 इंसर्ट होगा तो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 3 नोड यहाँ पर एक जगह पर, 3 डेटा एलिमेंट यहाँ पर एक जगह पर अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 2 डेटा एलिमेंट का ही यहाँ पर प्रोविजन है। मतलब आपके पर्टिकुलर नोड में 2 ही डेटा एलिमेंट आ सकते हैं, 1 डेटा एलिमेंट भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, लेकिन 3 की पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। मैक्सिमम हमारे पास डेटा एलिमेंट कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, और उन 2 डेटा एलिमेंट के यहाँ पर 3 चिल्ड्रन पॉसिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पर 10 इंसर्ट होगा तो 10 की पोजीशन क्या होगी, यहाँ पर 10 की पोजीशन होगी, पहले 50 से कंपेयर करेंगे, 50 से 10 छोटा है। ठीक है, देन वन मोर डेटा विल बी देयर, तो 30 से भी यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो 30 से भी 10 छोटा है, तो 10 की पोजीशन क्या होगी, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर आपका 10 इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आपको यहाँ पर 3 डेटा एलिमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ पे 30 जो डेटा एलिमेंट है ये प्रमोट हो जाएगा एज अ रूट बनने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टेप 3 को मैंने कन्वर्ट किया और 30 को प्रमोट करके इसको रूट बना दिया है। तो अब 30 क्या है, 30 इज द रूट एलिमेंट, इज द पेरेंट एलिमेंट फॉर द नोड 10 एंड 50, एंड इट इज कंजर्व द प्रॉपर्टी ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री। तो 30 के लेफ्ट में आप देख सकते हैं कि क्या है, 10 है, और 30 के राइट में आप देख सकते हैं 50 है। मतलब लेफ्ट साइड का जो पार्ट है इस रूट नोड के, इसमें सारे लेसर एलिमेंट जाएंगे, और 30 के राइट साइड में अपन देखेंगे, राइट सब पार्ट देखेंगे, तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट क्या है, 70 है। ठीक है, तो 70 इंसर्ट होगा तो 30 से कंपेयर होगा, तो 30 से बड़ा है 70 तो राइट साइड में जाएगा, और 50 से कंपेयर होगा तो 50 से भी बड़ा है, तो यहाँ पर ये 70 50 के राइट हैंड साइड में सेम नोड पर ही इंसर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर अपन 2 डेटा वैल्यूज को रख सकते हैं और 3 डेटा वैल्यू आएंगी, तो 1 डेटा वैल्यू उसमें प्रमोट हो जाएगी पेरेंट बनने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास एलिमेंट 60 है। तो स्टेप 5 में हमने क्या किया, 60 को इंसर्ट किया, यहाँ पर 30 से कंपेयर किया 60 को, तो 30 से बड़ा है, 50 से भी बड़ा है 60, और 70 से छोटा है। दैट मीन्स दिस 60 इज हैविंग मिडिल पोजिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर नोड, मतलब 50 और 70 के बीच में रहेगा। लेकिन जैसा कि ये 2-3 ट्री की प्रॉपर्टी है कि एक पर्टिकुलर नोड पर 3 डेटा एलिमेंट्स पॉसिबल नहीं है, तो अगेन इट इज अ कंडीशन, देर इज अ कंडीशन ऑफ स्प्लिटिंग अराइज, यहाँ पर एक स्प्लिटिंग की कंडीशन अराइज होगी, और 60 को यहाँ पर अपन प्रमोट करेंगे, तो 60 को जब प्रमोट करेंगे तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको हम रूट बना देंगे। ठीक है, तो रूट बनाएंगे तो क्या होगा, ये 60 प्रमोट होगी कहाँ चला जाएगा, 30 पे। तो आप देख सकते हैं आफ्टर स्प्लिटिंग योर 2-3 ट्री लुक लाइक, तो 60 कहाँ साइन हो जाएगा, 60 आपके रूट नोड पर चला जाएगा 30 के साथ, और 30 से बड़ा है तो इसकी जो 60 की पोजिशन होगी वो राइट हैंड साइड होगी। ठीक है, सो दिस इज अ रिक्वायर्ड 2-3 ट्री। इस तरह से आप 2-3 ट्री का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। यू हैव टू फॉलो दी प्रॉपर्टीज और रूल्स ऑफ बाइनरी सर्च ट्री एज वेल एज 2-3 ट्री की जो प्रॉपर्टी है उसको भी आपको कंजर्व करते हुए यहाँ पर चलना है। तो इस तरह से आप 2-3 ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अपन एक और टॉपिक यहाँ पर इसी लेक्चर में कवर कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड बी ट्री, है ना। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी, तो ये एक तरह का आपका रिविजन ही चल रहा है। 2-3 ट्री भी आप लोगों ने पढ़ा है, इसके पहले मैंने ABL ट्री पढ़ाया, उससे पहले मैंने बाइनरी सर्च ट्री पढ़ाया। ठीक है, देन बी ट्री अपन पढ़ रहे हैं, तो ये सारी टॉपिक आई थिंक आपके
डेटा स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट में प्रीवियस आपके सेमेस्टर में हो चुके हैं, ठीक है। एक छोटा सा अपन ब्रशअप इसको कर रहे हैं इन टॉपिक्स को, तो देखते हैं कि बी ट्री क्या है। तो बी ट्री इज अ स्पेशल केस ऑफ एम्बेसर्स ट्री, एम्बेसर्स ट्री भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो बी टी थ्री की प्रॉपर्टी क्या है, ऑर्डर ऑफ एम सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। यहाँ पर प्रॉपर्टीज देखते हैं अपन। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ईच नोड हैज एट मोस्ट एम चिल्ड्रन। तो यहाँ पर क्या है, एम क्या है, यहाँ पे एम आपका एक ये कह सकते हैं एक आपका रेंज है, ठीक है। इस रेंज के अकॉर्डिंग ही आपको बी ट्री को कंस्ट्रक्ट करना होगा। ईच इंटरनल नोड हैज एट लीस्ट सीलिंग ऑफ एम बाय टू चिल्ड्रन, मतलब एम जितना भी होगा उसके बाय टू करेंगे तो उतने चिल्ड्रन यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं। रूट नोड हैज एट लीस्ट टू चिल्ड्रन इफ इट इज नॉट अ लीफ, ठीक है। अगर रूट नोड में एटलीस्ट दो चिल्ड्रन हो सकते हैं कि अगर वो लीफ नहीं है तो, ठीक है, अगर उसका कोई लीफ नहीं है तो, ठीक है। अ नॉन लीफ नोड विथ के चिल्ड्रन हैज के माइनस वन की, के माइनस वन कीज हो सकती हैं। ऑल लीफ नोड अपीयर्स एट द सेम लेवल, जितनी भी आपके पर्टिकुलर रीफ्स रहेंगी, लीफ नोड रहेंगे, वो सभी सेम लेवल पर होंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इससे पहले अपन ने 2-3 ट्री पढ़ा तो मैंने बताया था कि वो ऑलरेडी बैलेंस ट्री है, उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है रोटेशन के थ्रू। लाइक दैट बी ट्री इज ऑल्सो बैलेंस ट्री, तो उसमें भी रोटेशन का कोई भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम रोटेशन अप्लाई करें और उस ट्री को अपन बैलेंस करें रोटेशन के थ्रू, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी लीफ नोड्स हैं वो सेम ही लेवल पर अपीयर होती हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। तो एग्जाम में, आरसीबीपी एग्जाम में ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा वो देखते हैं। क्रिएट अ बी ट्री फॉर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। तो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स आपको गिवन है एल इक्वल टू 86, 50, 40, 3, 94, 10, 70, 90, 110, 113, 116। मैक्सिमम डिग्री यहाँ पर कितनी है हमारे पास, 2 है, और मिनिमम डिग्री हमारे पास कितनी है यहाँ पर, 2 है, और मैक्सिमम डिग्री कितनी है हमारे पास यहाँ पर, 5 है। तो हमारे पास ये रेंज अवेलेबल है कि मिनिमम डिग्री हमें कितनी रखनी है, 2 रखनी है, और मैक्सिमम डिग्री हमारे पास कितनी होनी चाहिए, दैट इज 5, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था के माइनस वन वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ पर आपको बताया था के माइनस वन। तो के माइनस वन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि मैक्सिमम डिग्री कितनी दी हुई है हमारे पास, 5 है। तो एटमोस्ट 8 एक ही नोड पर 4 चिल्ड्रन यहाँ पर पॉसिबल है। अगर यहाँ पर 5 चिल्ड्रन आएंगे तो एक पर्टिकुलर 5 डेटा एलिमेंट रहेंगे एक नोड पर, तो एक पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट यहाँ पर प्रमोट हो जाएगा। जैसे कि हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट देखा 2-3 ट्री का, उसमें हमारे पास 2-3 ट्री में अगर 3 डेटा एलिमेंट्स हो जाते थे एक ही नोड पर, तो एक पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट अपन प्रमोट कर देते थे पेरेंट के लिए। तो यहाँ पर भी सेम आपको यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको एक रेंज दे दी गई है ना, तो रेंज दे दी गई है कि यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितना हो जाएगा, 5 रहेगा। तो दैट मीन्स एटमोस्ट 4 चिल्ड्रन आर अलाउड, मतलब एक पर्टिकुलर नोट पर यहाँ पर 4 चिल्ड्रन अलाउड, ठीक है। तो इस तरह से ये जो रेंज आपको दी गई है, ठीक है, मैक्सिमम डिग्री जो दी गई है 5, तो यहाँ पर एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आएगा बीटरी के ऊपर, तो आपको मैक्सिमम रेंज यहाँ पर, मैक्सिमम डिग्री यहाँ पर दी जाएगी, और उसी डिग्री के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ट्री का कंस्ट्रक्शन करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका नोड एलिमेंट है वो कितना है, 86 है, तो 86 यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। देन सेकेंड नोड क्या है हमारे पास, सेकेंड एलिमेंट क्या है, 50 है, तो 50 जो रहेगा उसकी पोजीशन 86 से पहले रहेगी, ठीक है। एज इट इज अपने को 2-3-3 के कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो करने हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी डेटा एलिमेंट लेंगे वो सारे सॉर्टेड मैनर में होंगे, इट शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो 50 को 86 से कंपेयर करेंगे, सो 50 इज लेस देन 86, दैट मीन्स 50 की पोजीशन क्या रहेगी यहाँ पर, 86 से पहले रहेगी। नाउ द थर्ड एलिमेंट इज 40, तो 40 की जो पोजिशन रहेगी 86 से पहले 50 से भी पहले रहेगी, दैट इज, that means 40 is having first position. Now third is fourth element is 3, so 3 की जो position रहेगी यहाँ पर first रहेगी, क्योंकि 3 ऐसा data element है जो कि existing data element से सबसे छोटा है, तो यहाँ पर रहेगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि 4 children allow हो सकते हैं, है ना, that means 4 यहाँ पर possibilities हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 यहाँ पर allow है, इस position पर कोई भी promotion नहीं हुआ है, कोई भी splitting नहीं हुई है,
लेकिन अगर कोई एक और नोड यहाँ पर एक और डेटा एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, दैट मीन्स देर इज अ केस ऑफ प्रमोशन ऑफ अ एलिमेंट एज अ रूट। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे ही हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, नेक्स्ट एलिमेंट इज 94, तो 94 को जैसे ही अपन ऐड करेंगे तो 94 का जो इंसर्शन रहेगा वो कैसा रहेगा, 3, 40, 50, 86 एंड 94। 94 जो है वो सबसे बड़ा यहाँ पर डेटा एलिमेंट है, तो इसकी पोजिशन सबसे लास्ट में रहेगी। और जैसा कि मैंने बोला कि आपको यहाँ पर केवल 4 चिल्ड्रन ही अलाउ है, 4 डेटा एलिमेंट्स इज ओनली पॉसिबल एट अ सिंगल नोड, तो यहाँ पर क्या होगा, जो मिडिल एलिमेंट है दैट मीन्स 50, तो 50 यहाँ पर प्रमोट हो जाएगा रूट बनने के लिए। तो आप देख सकते हैं आफ्टर प्रमोशन, आफ्टर स्प्लिटिंग, हाउ योर ट्री लुक लाइक, कैसा आपका ट्री दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो 50 को प्रमोट किया तो 50 यहाँ पर क्या हो गया, रूट हो गया। 30, 40 इसके लेफ्ट चाइल्ड बन गए, और राइट साइड में देखें तो 86 और 94। हियर ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी सर्च ट्री कंजर्व, तो बाइनरी सर्च ट्री भी कंजर्व करके सारे रूल्स के कंजर्व हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 50 के अगर राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो सारे छोटे एलिमेंट्स हैं, और 50 के राइट हैंड में देखेंगे तो सारे यहाँ पर बड़े एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, 94 के बाद 10 है। तो अब 10 का जो इंसर्शन होगा वो कहाँ होगा, 10 का इंसर्शन लेफ्ट हैंड साइड में होगा, 3, 10 और 40। 10 जो है वो 40 से छोटा है लेकिन 3 से बड़ा है, दैट मीन्स इट इज हैविंग मिडिल पोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट 7 स्टेप, मतलब इट इज अ इंसर्शन ऑफ अ 7 एलिमेंट, दैट इज 70। ठीक है, तो 70 को इंसर्ट करेंगे तो कहाँ इंसर्ट होगा, ये 50 के राइट हैंड साइड में जाएगा क्योंकि 50 से ये बड़ा एलिमेंट है, 86 और 94 से छोटा है, दैट मीन्स इट इज हैविंग फर्स्ट पोजिशन एट दी राइट साइड। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप 8 देखेंगे। स्टेप 8 हमारे पास क्या है, इट इज अ इंसर्शन ऑफ अ एलिमेंट 90। तो 90 को अपन ने इंसर्ट किया, तो 90 को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास 50 से पहले इसको कंपेयर किया, 70 से कंपेयर किया, 86 से कंपेयर किया, और 94 से भी कंपेयर किया यहाँ पे। तो 90 की पोजीशन आपकी कहाँ हो गई, एट दी राइट साइड, एंड थर्ड इंडेक्स पर इसकी वैल्यू आपने इंसर्ट कर दी। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, 110 है। ठीक है, तो 110 जब इंसर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं 110 का इंसर्ट होगा, 110 यहाँ पर ऐसा एलिमेंट है जो सबसे बड़ा है। तो 50 से कंपेयर करेंगे, 70 से, 86 से, 90 से, 94 से कंपेयर करेंगे, तो 110 की पोजीशन कहाँ पर होगी, एट दी राइट मोस्ट कॉर्नर। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर नोड पर अपन 5 एलिमेंट नहीं रख सकते हैं, केवल 4 ही अलाउ है। सो अगेन देयर इज अ केस ऑफ प्रमोशन, तो यहाँ पर प्रमोट कौन होगा, प्रमोट हो जाएगा आपका 90, और 90 प्रमोट होके कहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, और 90 प्रमोट होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा फंडा है, फंडा क्या है, मिनिमम हमारे पास डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये भी आपके स्प्लिट हो जाएंगे, मतलब ये पोजीशन आप 70 की होगी और 86 की होगी। ठीक है, और इसका राइट में देखेंगे 94, ये 110 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ट्री यहाँ पर अपीयर होगा। नेक्स्ट एलिमेंट जो है कितना है हमारे पास, 130 है, 50 से कंपेयर हुआ, 90 से कंपेयर हुआ। ठीक है, तो अब इसकी पोजीशन क्या होगी, 113 होगी, बिकॉज इट इज अ मैक्सिमम, इट इज हैविंग द मैक्स वैल्यू, मैक्स वैल्यू रहेगी इसकी सभी नोड के डेटा एलिमेंट से इसको कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन यहाँ पर ये रहेगी। ठीक है, स्टेप 11 क्या है, इट इज इंसर्शन ऑफ 116 एलिमेंट, तो 116 को भी यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो इस तरह से कंपेरिजन होने के बाद 116 की पोजीशन यहाँ पर लास्ट पोजीशन रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप बी ट्री का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, एंड दिस इज अ रिक्वायर्ड बी ट्री, जो कि जितने भी एलिमेंट्स हमें गिवन थे और जो भी हमारे पास डिग्री अवेलेबल थी उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, बी ट्री की प्रॉपर्टी को कंजर्व करते हुए, बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को कंजर्व करते हुए, और इसमें 2-3 का भी कॉन्सेप्ट लगाते हुए हमने इसको बी ट्री को कंस्ट्रक्ट किया। तो इस तरह से आप बी ट्री का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, एंड आई नो दैट वी ऑल आर दी सेजियंस, हम लोग सेजियंस हैं, और इस विषम परिस्थितियों में भी हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं अपना, और बहुत एंथुसियास्टिकली काम कर रहे हैं, और सारे काम प्रॉपरली होते जा रहे हैं, और डेफिनेटली एक नई सुबह का आगाज जरूर होगा। ठीक है, तो आप अपने घर पे ही स्टे करें और सेफ रहें, और अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक में
कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे ट्री ट्रैवर्सल टेक्निक, जो ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर में आपने की हुई है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप पढ़ के रखिएगा जिससे आपको आसानी हो समझने में, थोड़ा सा पुराना ही कॉन्सेप्ट है डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, आपने किया हुआ है तो ऑलरेडी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। हम भी इसको समझ लेंगे, एडा में भी है, ठीक है। तो अगर बी ट्री से रिलेटेड आपको कोई भी इशू है, 2-3 ट्री से रिलेटेड आपको कोई भी इशू है तो मुझे आप व्हाट्सएप करिए, है ना, मुझे कॉल कर सकते हैं, आई विल सॉर्ट आउट एनी प्रॉब्लम। थैंक यू स्टूडेंट्स।